क्षत्रिय भारत महासभा में आज बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम रहा। आज हमारे बीच क्षत्रिय समाज के लोग हैं और आप देख सकते हैं सर क्या रहा कार्यक्रम में। मैं राष्ट्रीय संरक्षक की हैसियत से आज यहाँ कार्यालय का पूरा नाम क्या लेते हैं सर? पूरा नाम क्या लेते हैं? नाम सुभाष सिंह हुआ जी। इसका उद्घाटन आज मैंने किया और पहला ये यहाँ दफ्तर खुला है। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल जगह ये है, इसलिए यहाँ से भी लोग आएंगे, एक बार ज़रूर इस ऑफिस में आएंगे। इस संगठन को मजबूत होने की प्रक्रिया में काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं क्षत्रिय इस संघ से और ये संगठन आने वाले समय में बहुत बड़ा होने जा रहा है। और यहाँ तक इस संगठन को तैयार करने के लिए मुख्य उद्देश्य भी तो रहा होगा कि ये संगठन तैयार होगा फिर क्या रहेगा? संगठन क्षत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। कोई भी कहीं भी सहायता की ज़रूरत है और गरीब वर्ग के लोग भी क्षत्रिय इसमें बढ़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत जगह जो राजनीतिक वातावरण जो हो गया है जिसमें कि अछूत माना जा रहा है, उसको हम लोग बराबर करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग भी काफ़ी ऊपर आएँ और अपने समाज की जितना हो सके मदद किया जाए। ये जो महासभा बना है, जो भारत क्षत्रिय भारत महासभा, क्या ये कहीं राजनीतिक संगठनों से जुड़ने का प्रयास करेगा या अलग रहेगा फिर? एकदम नहीं, कोई राजनीतिक संगठन से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भागीदारी जरूर बनेगी ये हम लोग मान के चल रहे हैं। हम लोगों का इस तरह का संगठन रहेगा कि बिना हमारे कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ पाएगा, इतना हम लोग सोच के चल रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे संगठन थे क्षत्रिय समाज के, लेकिन कहीं ना कहीं बिखराव हो गया, फिर कोई किसी दल में चला गया, फिर इसके बाद ये सभा बना। देखिए, दल से तो कुछ लेना देना नहीं है, कोई दल इस हम लोगों के क्षत्रिय इस संघ में हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो विचारधारा है क्षत्रिय का वही मेन हम लोग लेके चल रहे हैं। उसमें आगे वाले आने वाले समय में ये काफ़ी आगे बढ़ेगी। हमारे जिला अध्यक्ष हैं तो कोशिश किया जा रहा है कि हर जगह हम लोग अपना संगठन मजबूत बनाएं पूरे देश में। हाँ यस, लेकिन पूर्वांचल अहम भूमिका में रहे, पूर्वांचल को हम लोग, अरे ये तो धरती उसी तरह है स्वतंत्रता के आगे रही है, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको काफ़ी आगे हम लोग ले जाएं। पूर्वांचल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनिल सिंह जी, जिस तरह इन्होंने मेहनत करके इस संगठन को खड़ा किया है उसको और आगे हम लोग बहुत मजबूती से ले जाएंगे। जो राजनीतिक दल आपकी विचारधारा से जुड़ेगी समर्थन उसी को होगा ऐसा? देखिए, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राजनीतिक दल कोई भी हो वो हमको देखेगा, हमारे संगठन को देखेगा, राजनीति से कुछ लेना देना, लेकिन हम लोग इस तरह मजबूत हो जाएंगे तो वो अछूता नहीं रह पाएंगे हम लोग। जो अभी स्थिति जो पॉलिटिकल जो हर जगह इम्बैलेंस है उस बैलेंस को हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना आपको कि ये संगठन क्षत्रियों के मान सम्मान के लिए बना है और मान सम्मान के लिए ये संगठन हमेशा आगे रहेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।